हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिया की रसोई। आज सिया की रसोई में बनने जा रहे हैं राजमा, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में। राजमा सबके फेवरेट होते हैं, बच्चे इसे बहुत खुश होकर खाते हैं। बच्चों को तो छोड़ो, बड़े भी बहुत खुश होकर खाते हैं। तो आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। आज हमने राजमा को भिगोया नहीं है, ऐसे ही बनाएंगे। मैंने ली है 1.5 कटोरी राजमा। राजमा को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लेंगे। दो तीन बार पानी से धोकर इसे कुकर में डाल देंगे। और 1.5 कटोरी राजमा में मैं इसमें डाल रही हूँ 4.5 कटोरी पानी। और थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार नमक, और साथ में डाल रही हूँ हींग। इसे हम गैस के ऊपर रख देंगे 4-5 विसल आने तक, हाई फ्लेम पे रखेंगे और 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। राजमा हमारे अच्छी तरह कुक हो चुके हैं, ये एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 2 प्याज और 2 टमाटर और हरी मिर्च। इनको हम काट कर मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं, इनका पेस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और इसमें सरसों का तेल डाल लेंगे। तेल के गरम होते ही जीरे धनिया का पाउडर डाल लेंगे 1 टीस्पून, और इसमें प्याज का पेस्ट डाल लेंगे। इसे हम 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें डाल लेंगे 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून देगी मिर्च। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही उबलते समय राजमा में नमक डाल दिया था। और इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। मसाले को 3-4 मिनट तक पकाएंगे, अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम मसाले के अंदर डाल रहे हैं राजमा। राजमा और मसाले को अच्छी तरह मिला लेंगे और 5 मिनट तक ऐसे हाई फ्लेम पे रखेंगे गैस को, और हिलाते रहेंगे 5 मिनट के लिए, अच्छी तरह पका लेंगे। जब भी हमारे घर अचानक मेहमान आ जाएं तो हम फटाफट से बनाते हैं राजमा चावल, ये तो सबके फेवरेट होते हैं।
और आज हमने बनाए हैं बिना भिगोए राजमा। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैं अब डाल रही हूँ 2 कप पानी। राजमा को कढ़ाई में से निकाल के कुकर में डाल देंगे। वैसे तो बन गए हैं, लेकिन हम एक बिसल और लगवा लेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, घुल मिल जाए मसाले के साथ। तो राजमा बनकर तैयार है। आप इसे पूरी, चपाती, राइस किसी के साथ भी ले सकते हैं। अब हमारी समर स्पेशल थाली तैयार है, जिसमें है राजमा, चावल, चपाती, सैलेड एंड मैंगो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।